नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज चुनावी चर्चा पर बैठे हैं। दूसरे चरण का कल मतदान होगा, उससे पहले बिहार में मतदाताओं का क्या रुख है, मतदाताओं ने अपना किस प्रकार से मन बनाया है और नेताओं ने उनको किस प्रकार से कितना नीचे और किस मर्यादा को रखकर अपना भाषण दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सॉरी मैं मिलवाऊँ, राजेश जी हैं सीनियर पत्रकार, विनय जी हैं और मैं राजेश ओझा। तो राजेश जी, आपसे पहला सवाल होगा कि चुनावी जो दूसरा चरण का मतदान से पहले, मतलब पहले चरण के बाद और दूसरे चरण से मतदान से पहले का जो चुनावी सभा हुआ, उसमें क्या लग रहा है कि कैसे परिवर्तन हुआ या पहले जैसा ही कुछ रहा? नहीं, दूसरे चरण में कुछ स्ट्रेटजी बदली है। जैसे पहले चरण में एनडीए में खासकर ये दिख रहा था, जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई तालमेल नहीं दिख रहा था, जिसको लेकर के उसके सीनियर नेताओं ने, खासकर संजय जायसवाल ने भी इंटरव्यू में स्वीकार किया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग जदयू का स्वरूप, एनडीए का स्वरूप हम लोग धरातल पर नहीं उतार पाए। तो बड़ी बात बोल दिया कि एनडीए का स्वरूप धरातल पर नहीं उतार पाए, मतलब कि उसको थोड़ा सा पाटने की कोशिश की जा रही है सेकेंड फेज में। अच्छा, मैंने पहले फेज की गलती जो हुई उसको पहले फेज की जो वोटिंग हुई है वो क्या लगता है कि माने एनडीए के लिए फेवरेबल नहीं है? नहीं, अभी तक जो रुझान आ रही है, खासकर सीनियर पत्रकारों ने जो राय व्यक्त की है या जमीनी हकीकत है जो आ रही है, उसमें फर्स्ट फेज तो भारी है महागठबंधन। अच्छा, उसमें चाहे जितना भारी हो लेकिन वो ठीक ठाक भारी है और जितना से लीड कर ले। और मान लीजिए तीन मैचों की सीरीज है ये और फर्स्ट मैच जैसे भी हो वो विनिंग है, विनर। अच्छा, है वो। अच्छा। और सेकंड फेज विनिंग के लिए अभी स्ट्रेटजी बदली गई है। और कल आप देखे होंगे मोतिहारी में, समस्तीपुर में और छपरा में प्रधानमंत्री की सभाएं थी, उन्होंने जिस तरह से मतलब कि अपने पहले वाले रो में मैंने बोलते एग्रेसिव, अभी इसके पहले फर्स्ट फेज में इतने अग्रेसिव सीएम प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन अब की बार गजब एग्रेसिव दिखे हैं एकदम। हालांकि व्यक्तिगत आक्षेप और क्या क्या जंगल राज जंगल सुंघवा इसी तरह के शब्दों से किए हैं, अब इन शब्दों का कितना असर होता है मतदाताओं पर यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ और भी है विनय जी, हम लोग देखें अगर पूरा ये चीज़ को, तो सेकेंड एक फेज में रियली एग्रेसिव नज़र आया है एनडीए अपेक्षा के फर्स्ट फेज के। आप देखिए, फर्स्ट फेज में नीतीश कुमार से बसते दिख रही थी भाजपा, क्योंकि जो विज्ञापन आया था अखबारों में, वो उस विज्ञापन में नीतीश कुमार नहीं थे, प्रधानमंत्री थे और इन भाजपा के नेता लोग सिर्फ प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब सेकेंड फेज का चुनाव से पहले आज जो अखबारों में विज्ञापन आया है, इसमें अगर आप देखिएगा तो नीतीश सुशील मोदी भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री हैं। तो एक तो ये है कि माने पहली बार जो प्रधानमंत्री अपने नाम पर हम चार्ज सोच रहे थे कि हम वोट अपनी ओर मोबिलाइज कर लेंगे, वो नहीं हो पाया, इसलिए उसने स्ट्रेटजी बदली। दूसरी स्ट्रेटजी जो इसका लग रहा है, आप देखिए नीतीश कुमार का, आपको याद होगा कि उन्होंने बोला कि आरक्षण को लेकर कि अब अनुपात के आधार पर आरक्षण, तो इसको क्या माने आपने, आपको नहीं लगता है थोड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में ट्रेंड सेट कर रहा है आरजेडी, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं एनडीए के लोग। आरजेडी सेट कर रहा है एजेंडा। अच्छा। कि क्या मुद्दा होगा और उसके पीछे पीछे एनडीए चल रहा है। इन्होंने सही बात बोला, पहले फेज में उसने नौकरी का एजेंडा तय किया उसके बाद आप देखिए विज्ञापन वाली बात भी देखिए, तो जिस दिन विज्ञापन छपा था उस दिन ट्वीट किया था आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से कि ये प्रधानमंत्री का नहीं मुख्यमंत्री का चुनाव है, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री का फोटो था। तो उन्होंने ट्वीट किया, तो आज इन्होंने जो विज्ञापन छापा उसमें मुख्यमंत्री के दावेदार की भी तस्वीर डाल दी। तो माने वो सेट कर रहे हैं और ये उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, शुरू से हम लोग बात करते आए हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन की स्थिति ठीक ठाक है, अच्छी है। वो उसका कारण ये भी था जो पहले फेज में जो इन्होंने बात की कि दोनों में अंदर में ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, वो भी एक कारण था। ये संजय जायसवाल ने तो अभी एक अखबार के इंटरव्यू में भी इस बात को स्वीकार किया है कि एनडीए के साथ जो हमारा माने जमीनी स्तर पर तालमेल ठीक नहीं बैठ पाया और ठीक नहीं बैठ पाया, तो वो अब वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें फिर एक मुंगेर में जो घटना हुई, तो उसमें मोदी, सुशील मोदी जी ने कहा कि
मुंगेर के सांसद जो कि जेडीयू के हैं उनकी आलोचना की, तो दोनों में बात बहुत अभी बहुत ये नहीं लग रहा है कि दोनों एक साथ मिलजुल के लड़ रहे हैं। बीच में लोजपा भी कुछ वोट काट रही है, वो भी इनका वोट उनका वोट सबका काट रही है। तो अभी अच्छा सेकेंड फेज ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है, इसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए कि दोनों फेज को मिला करके दो तिहाई सीटों में चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी। इसमें इस पहले फेज में आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को ठीक ठाक है, दूसरे फेज में भी अगर महागठबंधन ठीक ठाक रह गया तो फिर संभलने का मौका नहीं इनके पास। प्रधानमंत्री का जो आक्रोश है या जो कुछ भी है, सबको इस बात को समझ रहे हैं कि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद मौका नहीं मिलने जा रहा है। इसीलिए वो भी एग्रेसिव हैं या बाकी लोग भी जो मैदान में है वो जान रहे हैं कि बस यही हम संभाल सकते हैं, इसके बाद नहीं संभलेगी बात। और इसके साथ साथ विनय जी एक चीज और दिखने को मिला, मैंने इस जी बता इसमें एक बिंदु हम लोग छोड़े, आरक्षण वाले मुद्दे पे आपने एक सवाल किया है जी कि आरक्षण का मतलब कि बिहार का चुनाव हो और आरक्षण बीच में न आए ऐसा बहुत कम ही देखा गया। लेकिन राजेश जी आपको याद होगा फर्स्ट पेज पूरा चुनाव निकल गया जी, आरक्षण नहीं आया। हम और विनय जी वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि आप याद करिए 2015 का चुनाव जी, जब मोहन भागवत आ करके आरक्षण की समीक्षा की बातचीत करके गए थे, उसके बाद लालू प्रसाद और नीतीश तबे के साथ हुआ करते, इन लोगों ने पूरा माहौल बदल दिया। बैकवर्ड वोटों को, पिछड़ी और अति पिछड़े जाति के वोटरों को जिस तरह से मोबिलाइज किया, जिस तरह से इन लोगों ने आरक्षण छीना जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है और उस तरह के मुद्दे लेकर के आए, तो उसको लेकर जो परिणाम सबके सामने आया। इस चुनाव में भी क्या हुआ कि फर्स्ट फेज के चुनावों में कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि जो जातीय समीकरण के जो बाउंड्रीज जो है वो टूटती नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक क्या है, उनका तो है ही नहीं वोट लॉकुस, और उसके बाद उनका सोशल इंजीनियरिंग लॉकुस उनका अपना वोट है जिनकी तादाद मुश्किल से 8-10% हो पाती है, इतने से वो सीएम नहीं बन सकते हैं। रही बात और उनको वोट कहाँ से आता है, तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो बांटा पिछली जातियों का वोट जो है वो उनको मिलता रहा है, 22% के आसपास संख्या हो जाती है, जिसकी वजह से जदयू का ठीक ठाक स्थिति में रहती है। उसके बाद भी उन्होंने अपने जमात का वोट बनाया है, आंगनवाड़ी जीविका कर्मी और इस तरह से अपना जमात का वोट बनाया है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला जो वोट है कहीं ना कहीं उनको टूटती नजर आ रही है इस चुनाव। ये मैंने कैसे टूटी, मैंने क्या टूटती मतलब कि बाबरी मस्जिद वह जो वोटर जो था अति पिछड़ा वोटर जो था वह कभी लालू प्रसाद का वोटर हुआ करता था ठीक, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं फिर वो वोटर टूट रहा था जिसको फिर अपने खेमे में लाने के लिए। अच्छा ये इन्होंने जात का हमने किया कार्ड खेला है। सबसे पहले इसमें कार्ड किसने खेला, सबसे पहले तो रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले अच्छा। कार्ड खेला। उन्होंने एक बयान दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके ठीक अगले दिन नीतीश कुमार ये वाल्मीकि नगर की सभा में ये बयान देते नजर आ रहे हैं। तो उनको ये खतरा हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि रालोसपा की तरह चला जाए, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने फिर मौका अपना लपक लिया। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव भी इसमें कूद गए, उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कर दी, प्लस संख्या के आधार पर भी देने की बात कर दी। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ करके प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की बात करने लगे, तो इस तरह से हो गई। हालांकि बाद में फिर इसमें भाजपा का भी पक्ष आया, रविशंकर प्रसाद उसमें आए, उन्होंने अपने सवर्ण वोटरों को नाराज उनको नहीं करना था, उनका ट्रेडिशनल सवर्ण वोटर था, उन्होंने अपना बीच का रास्ता निकाल दिया कि हम कानून के दायरे में रहकर ही जो अभी जो वर्तमान जो कानून है उन्हीं के दायरे में रखकर हम आरक्षण की बात करेंगे। भाजपा का वोटर उससे नाराज नहीं हुआ। आरजेडी इस मामले में अभी तक नहीं कूदी है। हाँ वो इससे बचते हैं की बात याद होगा कि आपको रोहतास की एक सभा में बाबू साहब वाला शब्द को अगर पहले पेज वाला से हटा दिया जाए बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग या मतलब जो चीज उसको कहिए जानबूझ के जो चीज कहिए उसके मतलब, लेकिन वो जात के चक्कर में नहीं पड़ रहा है और वो इस फेरे में है कि हम किसी तरह जो हमको नौकरी के नाम पर गोलबंदी हुई है उस गोलबंदी वो गोलबंदी टूटे रहे, क्योंकि वो गोलबंदी इतना परेशान कर दिया है नीतीश कुमार को कि याद होगा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर व्यक्तिगत हमले इतना तीखा और ऐसा किया
जो मैंने बड़ा आपत्तिजनक होगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि लालू प्रसाद क्या महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो 8 बच्ची के बाद भी दो बच्चे के लिए बेटा पैदा करने के लिए 8-8 बच्ची पैदा कर दिए, बेटा पैदा करने के लिए 8-8 बच्ची पैदा कर दिए। तो ये मैंने राजनीति की अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, मैंने नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वो थोड़ा शालीनता उनमें है और थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बोले। अच्छा, आपको याद होगा इसी चरण में, दूसरे चरण में ही विनय जी, पिछली बार भी हम लोगों ने इस बात को चर्चा किया था, ये बात थी कि वो ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय की जो चुनावी सभा थी उसमें जिस तरह से हंगामा हुआ था, तो जिस तरह से माने आक्रोशित हो रहे थे, वो माने दिखा रहा है कि अंदर से चिड़चिड़ाए हुए हैं, जो उनके स्वभाव के विपरीत है। ये सारा चीज़ माने चुनाव को लेकर लग रहा है कि थोड़ा सा ये है। नहीं, मुख्यमंत्री को अभी जो जिस तरह से विदलित हुए हैं सभाओं में, सभाओं में देखे हैं हम लोग, हाँ, विरोध भी कि सीधे विरोध प्रदर्शन करने वालों से सीधे बात कर रहे हैं, उनको उनको जवाब दे रहे हैं, चले जाओ, इस तरह के इस तरह की चीजें पहले भी वो कर चुके हैं। अच्छा, हो चूंकि ये चुनाव का वक्त है इसलिए इसको ज्यादा नोटिस किया जा रहा है, लेकिन पहले भी सब किसी सभा में हमको याद है, एक आध सभाओं में शिक्षकों ने काले झंडे दिखाए या इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, तो मंच पर से उनको उन्होंने वहाँ पर लथेड़ा या उनको हड़काया है, उस तरह से चीजें की है, पहले भी किए। ये पहले और अभी, पहले और अभी में अंतर ये है, अभी चुनाव है इसलिए नोटिस किया जा रहा है और ये आपके आपके अगेंस्ट जाएगा। हाँ, वही कह रहे हैं कि पहले और अभी में अंतर है कि उस समय जिसको नीतीश कुमार संबोधित करते थे, जो इनका विरोध करता था, इसको उसके साथ जो ये डांट फटकार करते थे, तो वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अभी तो मौका है उनके पास, अभी उनके पास मौका है, वो बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, अब शिक्षकों की बात आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 90% तो बूथ पर शिक्षक ही होते हैं, कम ही ऐसा कोई एक शिक्षक कम से कम 90% बूथ पर होंगे। शिक्षक अगर आपसे नाराज हैं तो समझिए कि वो तो खेल आपका खराब कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत बड़ा पावर होता है। हाँ, जो बूथ के अंदर है, हाँ, उसके पास तो ऐसा भी कई बार देखा जाता है, बूढ़ी बुजुर्ग आती हैं, वो पूछती हैं, बाबू ये कहाँ बटन दबा दे, मतलब वो सिर्फ इसलिए आती है कि हमको वोट देना है, उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ बटन दबाना है, तो वहाँ तो जो प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है वही खेला करता है, बहुत कुछ यहाँ पर वोट डालो यहाँ डालो, बहुत कुछ अगर वहाँ है तो एक बूथ पे अगर मान लीजिए कि वो 100 ऐसा कर दिया खेला, तो बढ़िया खेला कर ही देगा वो, टीचर को नाराज है इनसे। अच्छा, आपने जैसा अभी चर्चा किया कि प्रधानमंत्री भी बहुत एग्रेसिव है, उतना एग्रेसिव पहले चरण के मतदान में नहीं थे, यहाँ तक अब उन्होंने माने कल तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो उधर डबल युवराज है, तो ये बड़ा प्रधानमंत्री का एग्रेशन जो है ना इस फेज में, वो इस बात को जब पहले चरण में आए और उनकी सभाओं में, खासकर सासाराम में और एक आध जो सभाएं की है वहाँ पर, उस तरह से भीड़ नहीं जुटी। अच्छा, बाद में पार्टी ने कोरोना की वजह से या जैसे भी पार्टी ने पॉलिसी ही बना दी कि इनकी सभा में सीमित लोग ही आएंगे, प्रधानमंत्री की सभा में लोग भी सीमित कर दिए। वो ऐसा कुछ मतलब पॉलिसी जो बनाए वो भीड़ टर्नअप नहीं हो रही, भीड़ टर्नअप नहीं हो पा रही, टर्नअप नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत प्रयास किया गया भीड़ को लाने के लिए, करने के लिए गाड़ी भेजा गया, जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है भाजपा ने अपने तरह से तमाम तरह की कोशिशें की है। उसके बाद यह चर्चा कई जगह होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री का तलिस्म टूट रहा है प्रधानमंत्री, अब यह ईगो की बात है कि प्रधान अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नरेंद्र मोदी से अच्छे वक्ता देश में नहीं, देश में नहीं है, खासकर सीधे कनेक्ट करते हैं पब्लिक, वक्ता कहिए कम्युनिकेटर, हाँ, पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी से अच्छा कम्युनिकेटर, उसमें राजेश मेन कारण ये है कि वो जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं, वही कम्युनिकेटर होता है, बेस्ट कम्युनिकेटर, लेकिन उसी को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, पुराने अपने रॉ में नजर आए, जैसे वो नेहरू पर और परिवार पर और सब हमला हमला करते थे वैसे, उसी रॉ में इस बार भी। लेकिन कल के हमला में आप देखिएगा
कि उन्होंने कहा कि डबल इधर डबल इंजन की सरकार है तो उधर जो है डबल युवराज है, और उसमें भी एक युवराज जो है वो तो पूरा डुबाएंगे ही। हाँ, जैसे कि एक युवराज यूपी में डुबाए, यानी तेजस्वी पर ज्यादा उनका हमला रहा। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का ये बेसिक अंतर है कि प्रधानमंत्री चाहे कितना भी बोल ले, लोग देखते हैं कि हम जिसको वोट देंगे तो हमारा कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कई चुनाव हार चुके हैं, झारखंड में भी, दिल्ली में भी हार चुके हैं। यहाँ क्या होगा ये तो पता चलेगा। राजस्थान और प्रदेश भी हार गए थे, तीन पांच करके जो बन गए, इसे वहाँ तो चुनाव के पहले, राजस्थान का चुनाव शायद लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था, पहले हुआ था, तो उसमें लोगों ने नारा लगाया था जब प्रधानमंत्री गए प्रचार प्रचार करने में कि मोदी ये क्या थी महिला वो वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। यहाँ भी उसी तरह की बात हो सकती है कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। तो मोदी की सभा में भीड़ जुटना नहीं जुटना, चूंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है नहीं, इसीलिए वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसमें लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री को चुनने के लिए आ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री से कितनी नाराजगी है नहीं है वो उस वो सामने है। सबसे पहले तेजस्वी ने जदयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तेजस्वी जो है भीड़ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये जदयू की ओर से जदयू ने आज एक नया सवाल उठाया है कि तेजस्वी के भीड़ में महिलाएं नहीं है, महिलाएं नीतीश के साथ हैं, तो आप देखिए ये कितनी महिलाएं वोट करती हैं। अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान और पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीन फैक्टर और भी है जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा। माने आप पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुई थी उसमें ये तीनों फैक्टर नहीं थे, माने उपेंद्र कुशवाहा किसी न किसी खेमे में थे, माने किसी न किसी खेमे में थे, लेकिन इस बार तीनों अलग है, तीन खेमा अलग है। अगर पप्पू यादव का को भी अपना ये बनाए हैं गठबंधन, तो रालोसपा को भी ओबीसी का समर्थन प्राप्त है और जो छोटे छोटे बसपा उसपा का समर्थन प्राप्त है, चिराग पासवान अलग अपना अकेले अपना दमखम पर लग रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये भी वोट काट रहे हैं, माने भाजपा? देखिए मुझे लगता है कि ये तीनों मिल करके 10% सीट, मतलब कि 243 में से 24 सीट जीत लें तो बहुत है, लेकिन हराएंगे ज़्यादा ही, खुद तो कम जीतेंगे लेकिन हराएंगे कईयों को। हराने में कई जगह इन लोगों का हाथ होगा कि इन्होंने जितना वोट काटा उतना सही इनका वो हार गया, ये कई जगह होगा। तो ऐसा हारने वाला प्रत्याशी सबसे ज्यादा किस पार्टी का होगा? निश्चित रूप से वो जो ये चिराग जो वोट काटेंगे वो इनका काटेंगे, एनडीए का काटेंगे, केवल जदयू मत कहिए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे जगह, अब दोनों बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी और एलजेपी भी कई जगह लड़ रही है, एलजेपी के दो ही विधायक हैं और उनके खिलाफ भी बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया, तो उनके खिलाफ भी अब यहाँ राघोपुर में भी देखिए कई जगह एलजेपी खड़ा कर रही है। तो अब ये बीजेपी और एलजेपी साथ कहिएगा, अब पता नहीं बाद में जो हो, लेकिन अब लड़ रहे हैं वो भी, तो वोट इनका भी कटेगा। चिराग पासवान बोल रहे हैं जहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं है वहाँ के लोग, वो हाँ वो सब पुरानी बात हो गई, अब नया देखिए कि अब सब जगह लड़ रहा है। देखिए इस जीत हार में मेरा मानना है कि इन तीनों चारों पार्टियाँ तो फैक्टर हैं ही, और जो खासकर भीतरघात है और पार्टी से बगावत है ये सब चीज़ ही मायने रखती है। जेडीयू को तो बेशक सीधा सीधा लोजपा नुकसान कर रहा है, रालोसपा भी सीधा सीधा नुकसान कर रहा है जेडीयू को। हाँ, जेडीयू को नुकसान कर रहा है, उसको उसके हटने से महागठबंधन को परेशानी नहीं हुई, रालोसपा ज़्यादा इसलिए हो रहा है। हाँ, लेकिन रालोसपा जो है एक कहीं ना कहीं गठबंधन को भी नुकसान कर रहा है। हाँ, क्योंकि मुसलमान वोट जो है वो तो मुसलमान वोट बहुत ज़्यादा ओवैसी के नाम पर टर्न नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि ओवैसी जिस तरह से बदनाम किए गए हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से मीडिया में जिस तरह से बदनाम किए गए हैं, आम मुसलमान चाहकर भी ओवैसी के साथ स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। एक स्थिति हो गई। दूसरा चीज, नीतीश कुमार का समीकरण सबसे पहले था लौकुश समीकरण, उसमें कुशवाहा और कुर्मी वोटरों को उन्होंने
एक किया था, अब तक ही माना जाता था कि पूरा उनका जो 8-10% जो वोट है पूरा उनका रहा है। अभी रालोसपा जब चूंकि अलग लड़ रही है, तो यदि 6% कुशवाहा वोटों में से यदि 4% भी 15% कुशवाहा किनारे लेकर के निकल जाते हैं तो ये तो घाटा होगा नीतीश कुमार को। अभी सर्वे जो आया था उसका इसका ABP का, उसमें ये बात कही गई है कि GDSF जो ये गठबंधन है बसपा और रालोसपा का, उनको 8% वोट दिखा रहा है, 7-8% का वोट दिखा रहा है। तो वो 7% जो कटा वो नीतीश कुमार का कटा? हाँ 7%, जबकि पिछली बार रालोसपा जो लड़ी थी इनका वोट परसेंट 2-2.5% के आसपास रहा है। अच्छा, ग्रोथ किया है। तो यदि इतना वोट कट जाता है, 5% वोट आपका माइनस हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। दूसरी बात और है कि माले वाले की जो सीटें हैं, अक्सर माले के कुछ नेता कह रहे हैं कि RJD ने हमको वही टफ सीटें दी हैं जहाँ पे कंटेस्ट टफ है। अभी खासकर भाजपा माले के झंडा ढोने वालों में 2-3 कास्ट के ही लोग ज़्यादा हैं। इधर बेगूसराय चल जाते भूमिहार झंडा ढोते हैं, और बाकी कुछ बैकवर्ड कास्टों में हैं, कुछ यादव हैं, कुछ कुशवाहा हैं, कुछ मलाल लोग हैं, इसी टाइप के निषाद कुछ हो गए, ये लोग दमदार झंडा ढोते हैं। वो ये लोग जो वोट जो काटेंगे माले को, कहीं ना कहीं वो माले को नुकसान करेंगे, वो जो महागठबंधन की सहयोगी है। और इसमें चूंकि सबसे प्लस पॉइंट है कि RJD का माई समीकरण यहाँ एकजुट दिख रहा है। अच्छा, अभी किशनगंज से खबर आ रही है कि वहाँ पे ओवैसी का जादू नहीं चल रहा है। पिछले बार एक विधायक जिताने में कामयाब हो गए थे, प्रॉपर किशनगंज से कमरूल होता करके विधायक वहाँ पे वो जीते थे वहाँ से, लेकिन अब की बार ये लग रहा है कि उनका भी कोई सुन नहीं रहा है, उनकी सुनने को तैयार नहीं। देखिए, सीधा RJD खोज रहा है। मुस्लिम वोटर उसी को वोट करेंगे जो BJP को हराएगा। उनके लिए बस एक क्लियर है, उनके लिए क्लियर है। अच्छा, ये कल एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आंकड़ा चुनाव वोट का आंकड़ा कि पिछले चुनाव में 1,60,00,000 वोटर वोट किए थे नीतीश, RJD और जो लोग साथ में थे उनको, और 1,30,00,000 वोटर वोट किए थे BJP+ जो लोग थी, इसमें कुशवाहा भी थे, हम भी इन्हीं के साथ था पिछले चुनाव में। तो ये 30,00,000 सर, पिछली बार हम जो है उनके साथ था, नहीं इन्हीं के, BJP के ही साथ था। तो ये 30,00,000 वोट का ही है कि वो इधर है कि इधर है, वो जिधर। अब देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज भी देखिए तो पिछला साल से 1% से ज़्यादा हुआ है, पिछला जो चुनाव था उससे 1% ज़्यादा, तो करीब करीब वही है। अगले में और कुछ ज़्यादा हो या 1% कम हो जाए तो मैनेज हो जाएगा। तो वही 30,00,000 वोटर अब इधर जाए कि उधर जाए, 30,00,000 वोटर रोजगार के नाम पे महागठबंधन को दे दे तो इनकी जय जय, और 30,00,000 महिला उधर चली जाए तो उनकी जय जय। कुछ तो कोरोना भी प्रभावित करेगा, नहीं किया ना पहले फेज में, देखिए 1% वोट बढ़ा, कोरोना कहाँ प्रभावित किया? सही बात है। कुछ लोग तो ललक से वोट देने जा रहे हैं कि देखिए कोरोना काल में बूथ पर क्या व्यवस्था है, अच्छा इसलिए कैसे सैनिटाइज हो रहा है, कैसे ग्लव्स लगाया जाएगा और कैसे सही, तो उसको कुछ लोग ललक में भी जा रहे हैं। ये चुनावी मंथन में हमारे साथ थे राजेश जी और विनय जी, हमने आपको बताने का यह प्रयास किया कि क्या समीकरण बनता और बिगड़ता दिख रहा है। कल फिर हम लोग सुबह से ही हर पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे, तब तक के लिए हम लोगों को दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।